नमस्कार, मैं हूं अल्फी और आप देख रहे तत्काल न्यूज़ लाइव। दिल्ली के स्वरूप नगर में एक 9 साल की बच्ची के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। उत्तरी दिल्ली के स्वरूप नगर में बच्ची अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। यहां पर बच्ची के 52 वर्षीय मकान मालक ने 12 दिसंबर को उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने बच्ची के शव को मुनक नहर में फेंक दिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आरोपी को किडनैपिंग, दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि बच्ची को 12 दिसंबर को आरोपी की गाड़ी में बैठे देखा गया था। 17 दिसंबर को आरोपी ने कबूल किया कि उसने बच्ची के शव को नहर में फेंक दिया। पीड़ित बच्ची के शव को नहर से निकालने के लिए 5 गोताखोरों को काम पर लगा दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि अभी तक बच्ची के लाश को ढूंढा नहीं जा सका है। उसके शव की तलाश जारी है।